देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में दिल्ली कस्टम्स ब्रोकर एसोसिएशन का बड़ा योगदान है। दिल्ली कस्टम्स ब्रोकर्स एसोसिएशन के 50 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर डीसीबीए के दिग्गजों की मौजूदगी में गोल्डन जुबली मनाई गई। दिल्ली कस्टम्स ब्रोकर्स एसोसिएशन के 50 साल पूरे हो गए। डीसीबीए के 50 साल पूरे होने के मौके पर 18 दिसंबर 2022 को स्वर्ण जयंती मनाई गई। रसद उद्योग और सीमा शुल्क विभाग के प्रतिष्ठित दिग्गजों की मौजूदगी में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीमा शुल्क प्रधान आयुक्त एस के रहमान, सीमा शुल्क आयुक्त जुबैर रियाज कामिली, कई वरिष्ठ सीमा शुल्क अधिकारी, सरकारी एजेंसियों के अधिकारी और विभिन्न व्यापार संघ डीसीबीए की गोल्डन जुबली में शामिल हुए। डीसीबीए के पूर्व उपाध्यक्ष और स्काईवेज एयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष एसएल शर्मा कार्यक्रम में शामिल हुए। डीसीबीए के 50 साल के अस्तित्व को एक शानदार यात्रा बताते हुए डीसीबीए के पूर्व उपाध्यक्ष एसएल शर्मा ने कहा कि डीसीबीए का गठन ही समस्याओं को हल करने के लिए हुआ है। उन्होंने डीसीबीए को देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाने वाला बताया। मेरा नाम एसएल शर्मा है, मैं स्काईवेज ग्रुप का चेयरमैन हूं और स्काईवेज वाज एस्टेब्लिश मतलब जो बनी थी कंपनी जो स्थापित की थी हमने वो 1983 में की थी। मेरा जो इस सहयोग है जो मेरा जो काम है मोर देन मैं 50 साल से ऊपर इस ट्रेड के अंदर हूँ और मैंने कई चीज़ें ऐसी देखी हैं कि कैसे हमने काम स्टार्ट किया, कैसे हम पहले जो है कस्टम हाउस से आया करते थे और कैसे जो है डॉक्यूमेंट जो है मैनुअल बनाया करते थे, सारी शाम दिन रात जो है हमें पेपर बनाने पड़ते थे और उसके बाद हम जो है कस्टम हाउस जाया करते थे और वहाँ पर क्लियरेंस करते थे। लेकिन मकसद था ये कि हमारे जो भी मेंबर हैं, जो भी इसमें प्रोफेशन में लोग हैं, उनकी आइडिया उनका प्रोफेशनलिज्म जरूर होना चाहिए, उनको पूरा जो है कस्टम के बारे में, कस्टम एक्ट के बारे में, कस्टम लॉ के बारे में, ये सारी चीज़ें उनको जो है पूरा पता होना चाहिए। इसलिए कि हमारे किसी भी जो है एक्सपोर्टर को या इम्पोर्टर को ऐसी कोई परेशानी ना हो, ना यहाँ पे हो, ना जहाँ पे माल भेज रहे हैं वहाँ पर हो, उन परेशानियों के लिए हम जो है ऐसे डॉक्यूमेंट देखते थे कि इस कंट्री के अंदर कंट्री ऑफ ओरिजिन यहाँ पे जो है क्या चीज़ें चाहिए, क्या गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या कंप्लायंस है, और हम हर चीज़ को पूरा करने के लिए यही एक संस्था बनाई थी कि एक संस्था ऐसी है जो दूसरों को समझा सकती है। हमारी संस्था ने दिल्ली कस्टम ब्रोकर ने कई बार कई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किए हैं जिसमें कस्टम ब्रोकर्स को लोगों को बच्चों को ये समझाया कि आप जो हैं अपने पेपर को, अपने काम को और अपने कार्य को ऐसा स्वच्छ रखें कि किसी के ऊपर जो है भेद नहीं आना चाहिए। और इसी चीज़ को आगे रखते हुए कस्टम जो है हमारे जो ब्रोकर्स थे, हमने जो संस्था में काम किया इसमें सारे सीनियर लोग थे जिनका बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बड़ा अच्छा सहयोग था और वो अच्छे अच्छे पॉइंट जो है शेयर करते थे और कैसे हमें इसको आगे बढ़ाना है, किस देश को कैसे आगे बढ़ाना है और देश के कार्य को कैसे बढ़ाना है, देश का नाम एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट पे निर्यात आयात पे कैसे आगे बढ़ना है, ये चीज़ें करने के लिए हमने जो है सारा अपना जो है बॉडीज़ को गवर्नमेंट के साथ भी अटैच किया, दूसरे लोगों के साथ भी अटैच किया, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स थी उनके साथ भी अटैच किया और जो जो संस्था थी जो गवर्नमेंट के साथ आती थी हम सबके साथ जो है ट्रांसपेरेंसी करते थे, इंटरेक्शन करते थे सो दैट वी शुड नो कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, कैसे हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, कैसे भारतवर्ष आगे बढ़ सकता है, कैसे आत्मनिर्भर हो सकता है। तो इन चीज़ों को सबको करने के लिए हमने ये जो है दिल्ली कस्टम जो ब्रोकर एसोसिएशन थी ये बनाई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सीमा शुल्क निकासी प्रक्रिया का बहुत महत्व है। माल को उसकी रिहाई के लिए सीमा शुल्क निकासी से गुजरना पड़ता है। डीसीबीए के समारोह में स्काईवेज एयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के एमडी और डीसीबीए के सदस्य यशपाल शर्मा भी शामिल हुए। यशपाल शर्मा ने डीसीबीए के काम की जमकर सराहना की। सो स्काईवेज ग्रुप इंडिया की सबसे बड़ी एयर फ्रेट फॉरवर्डर है इस टाइम पिछले 5 साल से एंड हम डीसीबीए से
1984 से जुड़े हुए हैं। कंपनी हमारी 1983 में फॉर्म हुई, 1984 में हमें कस्टम ब्रोकर लाइसेंस मिला, तो तब से हम इस एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज 38 ईयर्स हो गए इस एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए। एंड दिल्ली कस्टम ब्रोकर एसोसिएशन ने पिछले 50 साल में बहुत इनक्रेडिबल काम किया है, और ये एक ऐसी बॉडी है जो इंडिया में कस्टम क्लियरेंस, चाहे वो एक्सपोर्ट कार्गो हो चाहे वो इम्पोर्ट कार्गो हो, उसको बिल्कुल सही मायने में किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से कैरी आउट होना चाहिए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, उसकी इंटरनेशनल कंप्लायंस क्या है, उसकी सारी कस्टम्स की जितनी रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करने में DCBA ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और वो अपने सब मेंबर्स को, आज 1000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं DCBA के, उन्होंने सारे अपने मेंबर्स को किस तरह से ये कार्य करना है प्रॉपर प्रोसेस के साथ उन्होंने गाइड किया। और साथ ही साथ हम जैसी कंपनीज, हमारी जैसी 1000+ कंपनीज जो हैं, उनके पेन पॉइंट्स, उनके क्या दिक्कतें, उनकी क्या परेशानियां, उनकी क्या नीड्स हैं, वो जाके गवर्नमेंट के सामने या कस्टम्स के सामने या और रेगुलेटरीज के सामने रखें। तो एक बहुत अहम रोल DCBA ने निभाया है, और हम स्काईवेज बड़े खुश हैं कि हम इस संस्था के मेंबर हैं। DCBA ने कमाल किया है, 50 साल जैसे आपने कहा बहुत बड़ा टाइम है। इतने बड़े समय तक किसी भी संस्था को चलते रहना और कार्य करते रहना अपने विजन पे, अपने ऑब्जेक्टिव्स पे, ये बहुत ही सराहनीय है। एंड ये इसका श्रेय हर साल दर साल जो मैनेजिंग कमिटीज़ आईं, हर वो प्रेसिडेंट जिसने इसका श्रेय अपने एक पीरियड के लिए लिया, उन्होंने अपने पूरे पूरे पैशन के साथ ये निभाया। तो ये कहना कि किसी एक इंसान को या एक साल की टीम ने ये कार्य चलाया शायद गलत होगा, लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे अच्छे लोग जिन्होंने अपने अपने कंपनीज का समय छोड़कर अपनी इंडस्ट्री के लिए, देश के लिए निकाला, ये श्रेय उन सबको जाता है। इस मौके पर DCBA के अध्यक्ष पुनीत जैन ने भी अपने विचार साझा किए। पुनीत जैन ने दिल्ली कस्टम्स ब्रोकर्स एसोसिएशन की 50 साल की यात्रा को बेहतरीन बताया। पुनीत जैन ने DCBA की कामयाबी में अभी तक के DCBA के सभी अध्यक्षों, सभी सदस्यों का योगदान बताया। DCBA ने न सिर्फ सीमा शुल्क निकासी की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और कम समय लेने वाली बनाने में एक अनुकरणीय भूमिका निभाई है। बल्कि नए सुधारों का सुझाव देने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए, ये 1972 में फॉर्म हुई, और हमारे सब जो सीनियर प्रेसिडेंट्स हमारे पीछे रहे हैं, उन्होंने इसकी स्थापना करी। और इसमें जब 50 साल से और आज तक की जर्नी जो है वो काफ़ी लंबी है, उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट सरकार की तरफ से भी बहुत सारे चेंजेस हुए, और जो पहले मैनुअल मोड था काम करने का, अब वो डिजिटल मोड पर सारा ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो ये चेंजेस उसमें 50 सालों में आए हैं। उपलब्धियों की बात करें तो क्या क्या उपलब्धियाँ आपने हासिल की है? देखिए, कस्टम ब्रोकर पहले एक सीमित था कि एक पर्टिकुलर जगह पर ही काम कर सकते हैं। आज कस्टम ब्रोकर, आज हम 2022 में अगर बात करें तो कस्टम ब्रोकर, एक कस्टम ब्रोकर अगर दिल्ली में बैठे हुए हैं तो पूरी इंडिया में कहीं पर भी काम कर सकते हैं। ये सब अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। गवर्नमेंट ने एक वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोग्राम बनाया है, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, हम उसके अंदर अब अपने आप को रजिस्टर कर पा रहे हैं, उससे हमारी मान्यता बढ़ती है, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। DCBA के पूर्व अध्यक्ष PS अत्री ने सरकार और प्रमुख हितधारकों दोनों को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने और अनुरूपता में काम करने की जरूरत पर जोर दिया। मैंने 2015 में इसको संभाला था, और दो साल का टर्म पूरा करने के बाद अगले दो साल के टर्म के लिए दोबारा से री इलेक्ट हुआ। तो मैं 2015 से 2019 तक इसका अध्यक्ष रहा। क्या कहेंगे सर, बताया जा रहा है कि जो आपकी जो चीज़ें होती हैं सरकार उन पर फॉलो करती है? जी, हम लोग जो भी प्रैक्टिकल काम करने में या किसी लॉ में कुछ हमें लगता है कि हम इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है जिससे कुछ डिले हो रहा है या और कार्य करने में दिक्कत आती है, तो भी
हम लोग अपना सुझाव लेके उनके पास जाते हैं कि इसमें अगर ऐसे किया जाए तो इससे बेहतर होगा, जिससे कम टाइम लगेगा और कम कॉस्ट होगी। तो उसको सरकार हमारी बात को सुनती है, समझती है और उसके ऊपर डिसीजन लेती है कि क्या चेंजेस की जाएं। डीसीबीए के मानद सचिव देवेंद्र भदौरिया ने भी डीसीबीए को अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाला बताया। देवेंद्र भदौरिया ने कहा कि डीसीबीए के जरिए हम अपनी ट्रेड को स्थायित्व दिला सकते हैं। चुनौती के नाम पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती ये है कि डीसीबीए के माध्यम से हम अपनी ट्रेड को एक स्थायी रिकॉर्डनाइजेशन दिला सकें। जैसा कि है ना, अभी हम लोगों के पास गवर्नमेंट से लाइसेंसिंग होल्डर तो हैं, लेकिन एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इनकी रिकॉर्डनाइजेशन उस तरह नहीं है जैसे कि हम देखते हैं कि प्रोफेशनल्स की होती है। आज हम दूसरे उसमें जाते हैं कि सीए हैं, उनकी एक अपनी इंस्टीट्यूशन हैं, लॉयर्स की बार काउंसिल्स है। तो हमारा ये मानना है कि आगे जाने पर अगर हमें अवसर मिलता है तो हम ये प्रयास करेंगे कि इस डीसीबीए को एक प्रोफेशनल रिकॉर्डनाइजेशन। सरकार आपको सपोर्ट करती है, इस तरीके की बातें हमेशा होती रही हैं, तो अब सरकार से आप चाहते क्या है, मांग क्या है? सरकार से मांग ये है कि देखो, सरकार हमारे को जो रिकॉर्डनाइजेशन दे रही है उसको एक कदम आगे बढ़ के कि इस प्लेटफॉर्म को देश में और विदेशों में एक अलग से पहचान मिले। जिस तरह हम जीएसटी में जीएसटी प्रैक्टिशनर देखते हैं, तो हमारा नाम बदल के हमें कस्टम के प्रैक्टिशनर, जैसे एडवोकेट होते हैं, प्रैक्टिशनर ऑफ द कोर्ट जो कोर्ट ऑफिसर्स होते हैं, इसी तरह हम लोग है ना कस्टम ब्रोकर्स भी विदाउट वर्दी ऑफिसर्स होते हैं। तो उसका अगर हमें गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉर्डनाइजेशन मिलेगा तो उसमें एक जिम्मेदार की तरह कार्य करेगा आदमी। और जो अभी लैकुनेज हैं, जब आप जिम्मेदार बनाते हो तो उसमें जो वो होती हैं वो कम होती है। डीसीबीए की प्रबंध समिति के सदस्य उमेश चतुर्वेदी ने कहा कि डीसीबीए ब्रिज का काम करता है। कोविड के दौरान डीसीबीए ने वॉरियर्स के तौर पर काम किया। अगर मैं उपलब्धियों की बात करूं तो हम इस चीज पर बोस्ट नहीं करेंगे कि हमने क्या क्या हासिल कर लिया। हमारे लिए उपलब्धि हमारे मेंबर्स की देखरेख करना, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना, क्योंकि हम उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे जो स्ट्रॉन्ग 1100 एंड मोर जो मेंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में ब्रिज का काम करते हैं कस्टम्स और इंपोर्टर एक्सपोर्टर के बीच में। हमारी उपलब्धियों में जैसे जब कोविड का ये हुआ था, कोविड आने लगा था, उस वक्त सारी दुनिया अंदर थी। हम एक ऐसे वॉरियर की तरह हमने काम किया जान की परवाह किए बगैर कि हम पोर्ट पर लगातार मौजूद थे, जिससे कोई मेडिसिन ना रुके, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर ना रुके, कोई इस तरह की जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो रुके नहीं। हम लगातार उस चीज़ को करते रहे और उसमें काफ़ी तकलीफें भी आई, लेकिन हम अडिग रहे। सरकार की तरफ से डेफिनेटली सहयोग है हमारे को। हम लोग एक एक्सटेंडेड आर्म हैं कस्टम्स डिपार्टमेंट की, और हम हमेशा से हैंड इन हैंड रहते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं। कोरोना काल जैसी महामारी में भी डीसीबीए के सदस्यों ने रसद सेवाओं को निर्बाध बनाने के अग्रिम पंक्ति की योद्धाओं की तरह अपनी सेवाएं दी। इस कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण इंडस्ट्री अचीवर्स और आइकन का अभिनंदन रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।